कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय साहित्य संघ द्वारा आयोजित एक शाम मोदी जी के नाम बरेली के IIM भवन में हुआ कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। पीलीभीत से आए वैभव अवस्थी राम कविता एवं ओजस्वी धारा हस्ताक्षर को बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाया। वाराणसी जिले से आए कवियों ने अपनी अपनी सुंदर कविताएं सुनाई। मुख्य अतिथि रहे माननीय संतोष गंगवार, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, बिथरी चैनपुर विधायक, भाजपा कार्यकर्ता प्रशांत पटेल। इन सभी का हुआ सम्मान समारोह आयोजित हुआ। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर कुलदीप गंगवारे, BBS MD पीडिया। आज मैं बिल्कुल सुनाऊंगा नया कविता। सुनो तुम राम के आदर्श की कविता, सुनो तुम राम के उत्कर्ष की कविता, सुनो तुम राम के संघर्ष की कविता, सुनो तुम पुण्य भारत वर्ष की। मिलेगी तो मैं कुछ पढ़ पाऊंगा। निवेदन करता हूँ राम की, जब मोदी जी ने कहे या मंदिर बन रहा है, ये इसकी भूमिका है, उसको आप मन में रखिए। मैं निवेदन करता हूँ, बरसों पहले की आज प्रतीक्षा पूर्ण हुई। 500 वर्ष तक झेले हैं संता, भूल मत जाना। राम भदावर मेरा बड़ा भाई पंक्ति है उसकी। बरसों पहले की आज प्रतीक्षा पूर्ण हुई, संग लखन उर्मिला की भी परीक्षा पूर्ण हुई। मेरे गीतों की आज समीक्षा पूर्ण हुई, मेरे गीतों की आज समीक्षा पूर्ण हुई, की शिक्षा पूर्ण हुई। आपका साथ मिले तालियों का। परसों पहले की आज प्रतीक्षा पूर्ण हुई, संग लखन उर्मिला की भी परीक्षा पूर्ण हुई। मेरे गीतों की आज समीक्षा पूर्ण हुई, अब लगा कि रामायण की शिक्षा पूर्ण हुई। कौशलाधीश आज घर आए हैं, जब राम कौशलाधीश आज घर आए हैं, उनके स्वागत में हमने गीत बनाए हैं। वर्षों पहले की आज प्रतीक्षा पूर्ण हुई, संग लखन उर्मिला की भी परीक्षा समीक्षा पूर्ण हुई, अब लगा कि रामायण की शिक्षा पूर्ण हुई। अब मैं पढ़ूंगा, आप ताल से ताल दीजिएगा। कौन से राम अयोध्या में स्थापित हुए हैं देखिएगा। जो राम कहाए रघुराई, आप ताली बजाएंगे तब आगे पढ़ूंगा, नहीं यही पढ़ता हूँ। जो राम कहाए रघुराई, जो राम कहाए रघुराई, जो राम कहाए रघुराई, जिनसे तुलसी की चौपाई, जो थे फास्फर सम तेज पुंज, थे भक्ति भाव के गहन कुंज, जिनसे है सृष्टि का आदि अंत, जिनसे शोभित है दिग दिगंत, जिनसे शोभित है दिग दिगंत, जो राम स्वयं युग चेता है, प्राची भूखंड विजेता है, जो राम स्वयं यश क्रेता है, जो राम अभिनेता है, वे राम आज लंका को विजित कर आए हैं, उनके स्वागत में हमने गीत बनाए हैं। अब लगा कि रामायण की शिक्षा पूर्ण हुई। जब राम गए वन, अगर ना जाते तो महाराज रामचंद्र हो सकते थे, लेकिन जब राम बन गए तब बन गए। इच्छाक वंश प्रभु को राम नाम जनेशुता, नियतात्मा महावीर दुतिमान दुतिमान वशी। राम कोई नाम नहीं है, इच्छाक वंश में उत्पन्न एक सामान्य बालक, जिसने अपने कृतित्व से अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर मनुजत्व से देवत्व की ओर प्रयाण किया, उस महायात्री का नाम राम है। तब निवेदन करता हूं, राम इधर से गए तो पैदल चलकर गए। निषाद ने, शबरी ने, सुग्रीव ने, सब ने, ऋषिमेव पर्वत ने, चित्रकूट ने, उनसे कहा कि आना तो इधर से ही आना, और मैं राम को नहीं सियापति राम को देखना चाहता हूं सीता के साथ। राम की प्रतीक्षा में कौन कौन प्रतीक्षित है। आज प्रतीक्षा पूर्ण हुई,
अब लगा कि रामायण की शिक्षा पूर्ण हुई। और देखिए कौन कौन प्रतीक्षारत है, कर रहे प्रतीक्षा बे पाथर, कर रहे प्रतीक्षा बे पाथर, भल्लूक आदि सब नर नाहर, पथ के तृण करते इंतजार, करते करते सब गए हार। ऋषि मुख देखता टगर टगर, हर चित्रकूट सम नगर नगर, ब्रह्मांड सकल वनवासित है, श्री राम दर्श अभिलाषित है। और जग कल्याणक जब किए काम, जग कल्याणक जब किए काम, तब राम हुए भगवान राम। उनके स्वागत में हमने गीत बजाए हैं, उनके स्वागत में हमने गीत बनाए हैं। वर्षों पहले की आज प्रतीक्षा करना छोड़ो। और वकीलों की हमें कोई चिंता नहीं है साहब, हमने भी मुकदमा पास की हुई है, हम रजिस्टर्ड एडवोकेट भी हैं, इसलिए उसकी चिंता नहीं है। अब उन्हीं के लिए कहना चाहेंगे हम, जनता सब देख रही है, मनमानी करना छोड़ो। समझ जी, इन काले कोटों में थोड़ी सी सफेदी है, इन काले कोटों में थोड़ी सी सफेदी है, मुर्गी मोटी पतली हो कटनी ही कटनी है, मुर्गी मोटी पतली हो कटनी ही कटनी है। नोटों को गिने जाओ बस, नोटों को गिने जाओ बस, वादी की चिंता छोड़ो, जनता सब देख रही है, मनमानी करना छोड़ो। डॉक्टर साहब आपकी कोई साली है क्या? पर तो होगी बात। दीवाली आटे का कनस्तर खाली, कैसी होली दीवाली, आटे का कनस्तर खाली, महंगाई के मौसम में साले संगवाई साली, महंगाई के मौसम में साले संग आई साली, साली संग होली खेलो, साली संग होली खेलो, साले को भूखा छोड़ो, जनता सब देख रही है, मनमानी करना। ओ समाज के ठेकेदारों ठेकेदारी बंद करो, ओ समाज के ठेकेदारों ठेकेदारी बंद करो। दुर्योधन, मैं उसे दोषी नहीं मानता हूँ, जी हाँ, मैं उपदेशों पर जीते हैं। प्रेम पथ के पथिक हम थे हारे हुए, तुम मिले तो सपन सच हमारे हुए, ओहो न पाए जहां में किसी के भी हम, हो न पाए जहां में किसी के भी हम, एक नजर तुमने देखा तुम्हारे हुए, एक नजर तुमने देखा तुम्हारे हुए, तो छोड़कर अब तुम्हें हम किधर जाएंगे, छोड़कर अब तुम्हें हम किधर जाएंगे, और तुमको पाने को हद से गुजर जाएंगे। व्यापारी और देश के संविधान, देश की आन बान पर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं, तभी कड़ी टिप्पणी और करता हूं कि मेरा ही विचार नहीं सभी का विचार यही, सत्ता तो किसी की नहीं दासी होनी चाहिए,
कि मेरा ही विचार नहीं, सभी का विचार यही, सत्ता तो किसी की नहीं दासी होनी चाहिए, और चाहे वो महीन या महान माननीय कोई, लेश नहीं इसमें उदासी होनी चाहिए। तो देश संविधान स्वाभिमान से जो खेलते हैं उनकी सजाएं अच्छी खासी होनी चाहिए। अब खाते यहाँ को और खाते पाकिस्तानी गीत, ऐसे देश द्रोहियों को फांसी होनी चाहिए। खाते यहाँ को और एक बात और का आ ही गया है नाम, हालांकि पाकिस्तान पर कविता करना मैं कविता नहीं मानता हूँ, लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे ये जमाना मैंने अपनी सभ्यता का परिवेश नहीं बेचा, अपनी सभ्यता का परिवेश नहीं बेचा है। शिशु मंदिरों में लिखा सत्यम शिवम सुंदरम का भी मैंने संदेश नहीं बेचा है। विदेशों में भारती का दामन उतारता ऐसा मैंने कोई भी आदेश नहीं भेजा है। लोग बोलते हैं मैं तो चाय बेचता था, कभी चाय ही बेची है मैंने, देश नहीं बेचा है। और अभी इत्फाक से मेरे तीनों भाई और के पर कहते हो माहौल जरा गर्म कर दिया, मैं थोड़ा नरम करना चाहता हूँ। तिरछी नजर ना आप नजारों पे डाली, तिरछी नजर ना आप नजारों पे डाली, अरमान इस तरह नहीं दिल के निकाली, खेले बिना ही आओ चलो फैसला करें, खेले बिना ही आओ चलो फैसला करें, मैं दिल संभालू आप दुपट्टा संभाल, मैं आज संभालू आप दुपट्टा संभाली। और एक पुस्तक और देखिए, मुझसे न ऐसा सवाल कर, तू बार बार मुझसे न ऐसा सवाल कर, रखा है किस तरह ये मैंने दिल संभाल कर, क्यों हंस रहे मेरे होठ ये न सोचना, क्यों हंस रहे मेरे होठ ये न सोचना, मैं पी गया हूँ दर्द को प्याले में डाल, मैं पी गया हूँ दर्द को डाले में डाल कर,